Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel New Science Classes। आइए देखते हैं हम समांतर श्रेणी का 17वां क्वेश्चन 5.2 का। हमारा 17वां क्वेश्चन है, एपी दी हुई है हमें, एपी दी हुई है 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद हमें निकालना है, अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। इसके दो तरीके हैं, आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। इसे हम ए मान लेते हैं, सीरीज को उल्टा कर देते हैं, इसे ए मान लेते हैं, यह जाएगा 253। अब डिफरेंस इसमें देखते हैं, 5-5 का है तो 5 का डिफरेंस इसमें भी होगा, उल्टा है इसलिए यहाँ पर डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5। यानी कि 253 के पहले वाली संख्या लेंगे जिसमें 5 का अंतर होगा, तो डी आ जाएगा आपका -5। अब आपको निकालना है A20, ये आपका हो जाएगा A, तो ये हो जाएगा फार्मूला 253 प्लस इन की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी -5। ये हो जाएगा 253 प्लस 20 से क्या 19 गुणे -5, फिर हो जाएगा 253 माइनस 95, माइनस कर देंगे 13 5 गया 8, यहाँ 14 14 से 9 गया 5 और यहाँ हो जाएगा 1। यानी कि ये आपका आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, चौथे पद। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, चौथा पद है और प्लस चौथा और आठवां पद, चौथा और आठवां पद इनका योग है 24। तो इसको और हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3d और a प्लस 7d इक्वल टू 24। अब ये हो जाएगा 2a प्लस 7 3 10d बराबर 24। अब दो कॉमन लेके काट दें तो ये हो जाएगा a प्लस d बराबर ये आपका हो जाएगा 12। समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर कह रहा है कि छठे व दसवें पद का योग 44 है। छठा पद यानी कि a6 प्लस छठे और दसवां पद, तो a प्लस 10 बराबर ये आपका हो जाएगा 44। ये हो जाएगा a6 का मतलब है a प्लस 5d और प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। फिर ये हो जाएगा 2a प्लस 14d बराबर 44। फिर ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस d इक्वल टू a प्लस 5d इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 22। सॉल्व कर लें, माइनस माइनस ये माइनस ये कैंसिल, माइनस का 2d इक्वल टू माइनस का 10, 5d की वैल्यू हो जाएगी 5। d का मान किसी इक्वेशन में रख दें, इसमें रख लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस d का मान है 5 प्लस d की वैल्यू 5 इक्वल टू 12, a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 25, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 13। फिर कह रहा है कि प्रथम तीन पद आपको निकालने हैं, जब प्रथम तीन पद आपको निकालने हैं तो a का मान हो जाएगा -13, उसके बाद a प्लस d 13 में प्लस का 5 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8, फिर 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3। ये आपकी सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य शुरू किया, तो 5000 रुपये आपका ए हो जाएगा, ये ए हो गया 5000 रुपये वेतन पर कार्य शुरू किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि, यानी कि ये आपका हो जाएगा सर्वांतर डी, 200 रुपये ग्रोथ कर रहा है प्रत्येक वर्ष, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा an मान लें या इसको al मान सकते हैं, an मान लेते हैं, ये आपका हो गया 7000। अब फार्मूला लगा देंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an आपका हो जाएगा 7000 बराबर a की वैल्यू है 5000 प्लस n मालूम नहीं ये निकालना है हमें, यह जाएगा 500।
अब 5,000 इसमें से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2,000, और ये हो जाएगा 200 एन माइनस वन। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, दो से का कैंसिल कर दिया 10, तो एन बराबर वन इधर आएगा, ये हो जाएगा 11, यानी कि 11 वर्ष लगेंगे उसको 7,000 पाने में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, 5 रुपये की बचत की, यानी कि वो हो जाएगा ए, 5 रुपये की बचत हुई। फिर उसके बाद में और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई, ये आपका डिफरेंस हो जाएगा 1.75 रुपये। यदि 90वें सप्ताह में उसकी बचत जो है 20.75 रुपये हो गई, 90वें सप्ताह में, यानी कि ए एन बराबर हो जाएगा 20.75 रुपये। अब आपको निकालना है कि एन का मान क्या होगा। फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी हो जाएगा 20.75 बराबर ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू है 1.75, 5 इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा 15.75 बराबर 1.75 एन माइनस वन। अभी हो जाएगा 15.75 बटे 1.75 बराबर एन माइनस वन। इसको यहाँ पर रखकर सॉल्व कर लें, यह जाएगा 15.75 बटे 1.75, 10 से 10 हटा लिया, 25 से क्रॉस कर देते हैं, 25 से 175, 25 छक्का 150 और 25 3 75, 7 9 63, तो ये आपका हो जाएगा एन माइनस वन बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 9, और टोटली अब जब क्लियर किया तो एन इक्वल टू 10, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला चैप्टर हमें स्टार्ट करना है तो उसके कल फार्मूले देख लेते हैं, फार्मूले के ऊपर कल बात होनी है। वो चैप्टर स्टार्ट है हमारा 5.3, जिसमें जिससे पहले हमें कुछ फार्मूले देखने होंगे, वो हैं जैसे अब हमें उसमें योग निकालना है, तो इसका फार्मूला होगा एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन जो है आपका योग होगा, समांतर श्रेणी का योग, एन वही होगा जो था, ए प्रथम पद है, एन संख्या थी माने पदों की संख्या, और डी जो है सर्वांतर था, ये वही रहेगा। इसी फार्मूले के बेस पर हमें ज़्यादातर अब अगले चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।